शहर एक दिल्ली, लेकिन इस शहर में सत्ता और शक्ति के दो केंद्र, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल, दोनों में अदावत की कहानी अब पुरानी हो चली है, जिसमें ताजे विवाद का छौंक लगा है घर घर राशन योजना को एलजी की ओर से रेड सिग्नल मिलने पर। केजरीवाल की महत्वाकांक्षी योजना पर ऐसा ब्रेक लगा कि सियासत की रेलगाड़ी एक बार फिर बेपटरी होकर फिलहाल दाएं बाएं भागने लगी है। दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना अगले सप्ताह से लागू होने वाली थी, लेकिन उसके एन पहले एलजी की नामंजूरी ने केजरीवाल को शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर कर दिया, जिस पर बीजेपी ने भी तुरंत पलटवार किया। दिल्ली में अगले हफ्ते से घर घर राशन पहुंचाने का काम शुरू होने वाला था। ये क्रांतिकारी कदम होने वाला था और अचानक आपने दो दिन पहले इसको रोक दिया। बंधुगण, अरविंद केजरीवाल जी ने इस प्रकार से एक पिक्चर पेंट किया कि मोदी जी जो हैं वो दिल्ली की गरीब जनता को जो उनका अधिकार है, उनका राशन है, उससे वंचित रख रहे हैं और डोर टू डोर जो डिलीवरी होनी चाहिए राशन का, कहीं ना कहीं इस डोर टू डोर डिलीवरी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, ऐसा नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि उनका मकसद अपना नाम चमकाना नहीं। केंद्र को निशाने पर लेते हुए केजरीवाल ने इशारों इशारों में बीजेपी पर राशन माफिया से मिलीभगत के आरोप लगा दिए। कहा जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों पे भारी पड़ेगी। अगर उनके माता पिता को राशन दुकान पे भीड़ की वजह से कोरोना हो गया तो उनके बच्चे भी तो फिर कोरोना ग्रसित हो जाएंगे। मुझे तो लगता है सर कि कोरोना काल में केवल दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश में घर घर राशन योजना तक या घर घर तक राशन पहुंचाने की इस योजना को लागू कर देना चाहिए। ए क्या है? ए फॉर एडवर्टाइजमेंट, केवल एडवर्टाइजमेंट करना है, कुछ करना नहीं है। बी फॉर ब्लेम, हर चीज में मोदी जी आपने ऐसा कर दिया। सी फॉर क्रेडिट, हर चीज में क्रेडिट लेना है जी इनको, बस क्रेडिट। डी ड्रामा, ई एक्सक्यूजेस, बहाने, हर चीज में आप बहाने देख लीजिए। 24 मई को घर घर राशन योजना पर स्वीकृति के लिए दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल को फाइल भेजी थी, लेकिन उपराज्यपाल ने इसे मंजूरी नहीं दी। दो वजहें सामने आई। घर घर राशन योजना को केंद्र से मंजूरी नहीं मिली है और योजना को लेकर कोर्ट में केस भी चल रहा है। केजरीवाल के बाद उनके डिप्टी सिसोदिया भी पक्ष रखने के लिए सामने आए, हालांकि राशन डीलर संघ ने केंद्र की सख्ती का स्वागत किया है। उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राशन की चोरी का जिक्र नहीं किया। उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं बताया कि 80, उन्होंने ये तो बोला 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है, लेकिन 80 करोड़ लोग इस देश के जो झेल रहे हैं, राशन मिलता नहीं है, चोरी होता है, समय पे नहीं आता, दुकानें बंद मिलती हैं, तो वो कैसे दूर हो सकता है उस पर नहीं बोले। राशन की चोरी रोकने में दिलचस्पी नहीं है उनकी, अरविंद केजरीवाल जी को गाली देने में दिलचस्पी है। दिल्ली सरकार क्यों इस तरह से कदम उठाए जा रही है, शराब की घर घर राशन डिलीवरी, घर घर राशन योजना, जबकि हमारे पास में हमारी दुकानों में लगभग दिल्ली के अंदर 2000 राशन दुकानदार कार्यरत हैं, उसके साथ में लगभग 10,000 परिवार इस राशन की दुकानों से जुड़े हुए हैं। कोरोना महामारी के चलते 2020 से अब तक लगातार हफ्ते में सातों दिन राशन की दुकानें खुलती आ रही हैं, इसकी चपेट में हमारे लगभग 15 राशन दुकानदार आके शहीद हो गए हैं। अब तक उनके परिवारों को दिल्ली सरकार की ओर से कोई मुआवजा नहीं दिया गया। और अगर दिल्ली सरकार कहती है कि हम लोग माफिया हैं, तो दिल्ली सरकार की सरकार 7 साल से दिल्ली के अंदर चल रही है, तो उन लोगों ने अब तक क्या कदम उठाए, उन लोगों ने क्या देखा? केजरीवाल और केंद्र में घमासान के बीच घर घर राशन योजना है क्या, ये आपको बताते हैं। इस योजना के तहत दिल्ली में कार्ड धारकों को घरों तक राशन पहुंचाने का प्रावधान है। इस स्कीम के तहत 4 किलो आटा, 1 किलो चावल और 1 किलो चीनी कार्ड धारकों को उनके घर पर दी जाएगी। सवाल है कि कोरोना के इस संकट काल में केजरीवाल सरकार और केंद्र में खींचतान की क्या कोई वजह है? क्या लोगों को मदद पहुंचाने के बजाय सत्ता के दो केंद्र आपस में झगड़ते ही रहेंगे? सवाल ये भी है कि देश की राजधानी दिल्ली केजरीवाल और केंद्र की सियासी रिंग में आखिर कब तक मार खाती रहेगी। दिल्ली से सुशांत मेहरा और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।